स्वागत है आपका नेशन न्यूज में और मैं हूं रितांभरा आपके साथ। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर महाराष्ट्र सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की लूट की महाअघाड़ी सरकार के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने राज्यपाल और सीएम को लिखी चिट्ठी में गृह मंत्री को लेकर जो आरोप लगाए हैं, उसके बाद उद्धव सरकार की असली सच्चाई लोगों के सामने आ गई है कि किस तरह सरकार में बैठे मंत्री पुलिस के जरिए धन उगाही का काम करने में लिप्त हैं। महाराष्ट्र सरकार को डर है कि अगर वाजे के बयान दिया तो कई गड़े मुर्दे फिर से बाहर आ सकते हैं। सदन के अंदर विधानसभा और विधानसभा के बाहर उनका सचिन वाजे को डिफेंड करना बहुत गंभीर सवाल था। एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की इतनी कुबत है कि उसको एक तरफ सीएम डिफेंड करता है सदन के अंदर और होम मिनिस्टर कहता है कि तुम 100 करोड़ रुपया हमें उगाही करके। और 23 मार्च को बिहार का पॉलिटिकल पारा चढ़ने वाला है। एक तरफ बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया है। इसी कड़ी में पटना स्थित आरजेडी प्रदेश कार्यालय से आरजेडी नेता श्याम रजक ने विधानसभा घेराव के लिए रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान पार्टी के अन्य नेता भी मौके पर मौजूद रहे। बताते चलें कि राज्य में बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आरजेडी ने 23 मार्च को विधानसभा घेराव का फैसला किया है, जिसमें उन्होंने बड़ी तादाद में सूबे की जनता को जुड़ने की अपील की है। मोतिहारी में पैक्स अध्यक्ष हत्याकांड पर राजनीति तेज हो गई है। इसी कड़ी में जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने मृतक पवन गुप्ता के परिजनों से मुलाकात की और परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन देते हुए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीते 16 मार्च को पवन गुप्ता की हत्या हुई थी, लेकिन अब तक मामले में न्याय नहीं मिला है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि वे इस मामले में सीएम नीतीश से अपील करेंगे कि जल्द से जल्द मृतक के परिजनों को न्याय मिले। भैया तेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ 52 मजदूर से उनके साथ भी साथी यही दशा है। भैया अगर नहीं ठीक बनाओ तो थोड़ा हल्का आप जो लामियो बन साथ आओ भाई भाई जेल में आओ हम नहीं कर रहे शिवहर जिले के मध्य विद्यालय तरियानी में एक छात्र कोरोना संक्रमित पाया गया। इससे स्कूल में हड़कंप मच गया है। दरअसल स्कूल में कोविड जांच के लिए कैंप लगाया गया था, इसी दौरान एक बच्चा पॉजिटिव पाया गया। स्कूल में 650 बच्चे पढ़ाई करते हैं, ऐसे में शिक्षा विभाग ने तत्काल स्कूल को 26 मार्च तक बंद कर दिया है। जिला प्रशासन की तरफ से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के घर वालों और शिक्षकों को कोरोना जांच कराने का निर्देश दिया गया है। ऐसी सूचना दूरभाष पर एचएम के द्वारा दी गई है कि तरियानी प्रखंड के तरियानी छपरा बालक विद्यालय में क्लास 1 का एक बच्चा एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। तो सुरक्षा की दृष्टि से विद्यालय को 26 तक बंद कर दिया गया है और सैनिटाइजेशन करने के लिए कहा गया है और बाकी जो बच्चे हैं उनका टेस्ट कराने के लिए और शिक्षक का भी टेस्ट कराने के लिए किया गया है और बच्चे का जो लिंकअप है उसको ट्रेस आउट करने के लिए।